गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं एम ए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड CC7 जिसमें हमें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया इस पेपर से यूनिट वन में हमें सोशल लाइफ ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट डेज टू गुप्ताज पीरियड, इसके अंतर्गत हमें आज हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था अर्थात हड़प्पा जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं उसकी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं कि हड़प्पा की सामाजिक जीवन हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो मोटे तौर पर 2450 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है और इस सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष हड़प्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सिंधु नदी के किनारे भी खोजी गई थी, इस कारण इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसी थी, सामाजिक परिवेश कैसा था। तो हड़प्पा के जानकारी के संदर्भ में हमारे सामने लिखित सामग्री का अभाव है, इस कारण इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। लेकिन हमें खुदाई से प्राप्त जो सामग्रियां मिली हैं उनसे हड़प्पाकालीन जीवन के विषय में अनुमान लगाने का अवसर मिलता है। संभवतः समाज में धनी, गरीब और मध्यम तीनों ही वर्ग रहते थे। नगरों में अधिकांश मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। समाज की इकाई परिवार था तथा समाज का ढांचा मातृसत्तात्मक होता था। खुदाई से प्राप्त नगर निर्माण एवं सामाजिक संस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तथा पेशे के लोग रहते थे। उदाहरण के लिए पुरोहित, राजकीय कर्मचारी, वैद्य, व्यवसायी, रंगरेज, बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, कृषक, धातुकार आदि, जो तात्कालीन समाज के अभिन्न अंग हुआ करते थे। शासन प्रणाली के विषय में कुछ निश्चित रूप से अनुमान लगाना काफी कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रतिनिधि शासक वहां शासन करते थे तथा कुछ मानते हैं कि शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक थी। कुछ विद्वान शासन प्रणाली को पुरोहित प्रधान तथा कुछ उसे शक्ति के विकेंद्रीकरण तथा स्वायत्त शासन प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित मानते हैं। संभवतः हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में शासन नगर पालिका के द्वारा होता था, जिसे नगर के शासन का पूरा अधिकार प्राप्त था। इसी विकेंद्रीकरण की नीति पर शासन संचालित होते थे। शासन सत्ता संभवतः किसी एक शासक अथवा राजा के हाथ में केंद्रीकृत नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रधान नगरों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्राप्त था। खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर भोजन, वस्त्र, आमोद प्रमोद तथा श्रृंगारिक प्रसाधनों के विषय में भी अनुमान लगाया जा सकता है। भोजन में अन्न, फल, मांस, अंडे, मछली, दूध आदि शामिल थे। संभवतः भोजन के लिए वे लोग गाय, सुअर, भेड़, मुर्गे और कछुए के मांस का
प्रयोग करते थे। मछली का प्रयोग भोजन में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। गेहूं, जौ और खजूर उनके भोजन के प्रमुख स्थान रखते थे। इसके अलावे नारियल, तरबूज, अनार, नींबू आदि फलों का भी प्रयोग भोजन में होता था। विविध प्रकार के बर्तनों से यह सिद्ध होता है कि वे तरह तरह के खाद्य एवं पेय पदार्थों का उपयोग करते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। खुदाई में प्राप्त मूर्तियां यह सिद्ध करती हैं कि उनकी पोशाक सादी थी तथा स्त्रियां और पुरुषों के पहनावे में विशेष अंतर नहीं होता था। ऊपर के वस्त्र में शॉल या चादर कंधे से लटकती थी। नीचे धोती या साड़ी का प्रयोग होता था। चादर इस प्रकार ओढ़ी जाती थी कि दाहिना हाथ काम के लिए स्वतंत्र रहता था। स्त्रियां सिर पर एक विशेष प्रकार का परिधान पहनती थी जो पंखे की भांति पीछे की ओर उठा रहता था। पुरुष दाढ़ी और मूंछ रखते थे। स्त्रियां कई प्रकार के केश विन्यास से बालों को सवारती और सजाती थीं। श्रृंगार के लिए स्त्रियां एवं पुरुष दोनों ही दर्पण, कंघी, काजल और सूरमे का व्यवहार करते थे। खुदाई में हमें कई ऐसे उपकरण जैसे काजल तथा सूरमा लगाने की शलाकाएं प्राप्त हुई हैं। धातु पर चमकती हुई पॉलिश के प्रयोग से दर्पण बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के निवासी आभूषणों के प्रेमी थे। संपन्न एवं निर्धन सभी वर्ग के स्त्री पुरुष अपनी शक्ति एवं रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते थे। ये आभूषण सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत तथा कई प्रकार के पत्थरों से निर्मित होते थे। हीरा, पन्ना, मूंगा आदि पत्थरों के भी आभूषण बनाए जाते थे। समाज का साधारण एवं निम्नतम वर्ग भी अस्थियों, घोंघों, सीपों तथा पक्की मिट्टी के आभूषण धारण करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही हार, बाजू, कड़े, कुंडल तथा अंगूठियां पहनते थे। स्त्रियां करधनी, कर्णफूल, कान के काटे, कड़े और पायल प्रायः पहना करती थी। कुछ गहने अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर होते थे। खुदाई में हाथी दांत की कंघियां, ओठ रंगने के साधन तथा कासक के बने दर्पण मिले हैं, जिनसे श्रृंगारिक प्रसाधनों में सिंधु घाटी की स्त्रियों की विशेष रुचि सिद्ध होती है। खुदाई में प्राप्त अवशेषों से मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद के विषय में भी पर्याप्त ज्ञान होता है। यहाँ के निवासी आखेट, जिसको हम शिकार भी कहते हैं, शतरंज, पासा, जुआ, नृत्य एवं संगीत के द्वारा अपना मनोरंजन किया करते थे। कुछ मुद्राओं पर आखेट के दृश्य अंकित हैं, जैसे तीर धनुष से युक्त शिकारी को बारह सिंघे के पीछा करते हुए दिखाया गया है। पशु पक्षियों की लड़ाई के द्वारा भी ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। एक मोहर पर दो जंगली मुर्गों को लड़ते हुए अंकित किया गया है। संभवतः पाशे का खेल सबसे अधिक लोकप्रिय होता था। खेल के प्रयोग में लाए जाने वाले पाशे काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। ये
पास है मिट्टी, पत्थर तथा हाथी दांत के बने हुए थे। संभवतः संपन्न वर्ग हाथी दांत के पासों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों से प्राप्त कुछ मूर्तियां तथा उनकी भावभंगिमाएं नृत्य एवं संगीत की लोकप्रियता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मुहरों पर ढोल, वीणा, तुरही तथा नर्तकियों के चित्र अंकित मिले हैं। बच्चों के मनोरंजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। मिट्टी के खिलौने बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की बनी छोटी छोटी बैलगाड़ियां, कुर्सियां, पशु पक्षियों की मूर्तियां, झुंझुने तथा सीटियां बच्चों के मन बहलाव के लिए व्यवहार में लाए जाते थे। मिट्टी के अतिरिक्त तांबे, पीतल तथा कांसे के भी खिलौने बनाए जाते थे। कभी कभी इन खिलौनों को रंग कर आकर्षक भी बनाया जाता था। सामाजिक जीवन के इन विविध पहलुओं के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज सुखी एवं शांतिपूर्ण था। सामाजिक संस्थाएं उन्नत एवं सुव्यवस्थित थी तथा समाज का उद्देश्य सुख और शांति से रहना था। इसलिए समाज में युद्ध एवं कला की प्रवृत्ति का अभाव दिखाई देता है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थात हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताओं को देखा कि उनके सामाजिक जीवन में जो उनके रीति रिवाज, उनके खान पान, रहन सहन, वस्त्राभूषण, फिर सौंदर्य प्रसाधन और उनके मनोरंजन के साधन, इन सभी विषयों पर हमें कोई प्रामाणिक लिखित वर्णन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो हमें खुदाई से अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें सिक्के, मुहरे, खिलौने आदि के देखने से हमें सहज ही यह बोध हो जाता है कि उस काल में कई ऐसी चीजें थीं जो उनके समाज में व्याप्त थी। और हम एक और चीज पर ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि उस काल में हमें युद्ध के हथियार व औजारों का अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि उस काल में लड़ाई या झगड़े कम ही हुआ करते होंगे, क्योंकि उसके अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए। लेकिन जिस प्रकार लोगों के सामाजिक दिनचर्या के साधन और उनके सौंदर्य प्रसाधन एवं उनके खिलौने और उनकी जो भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर विद्वानों एवं इतिहासकारों ने एक मोटे तौर पर उनके सामाजिक जीवन की रूपरेखा खींचने का प्रयास किया है। काफी हद तक हम उनकी सामाजिक जीवन की स्थिति को इससे समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम पाते हैं कि हड़प्पा कालीन सामाजिक अवस्था काफी सुखी और समृद्ध थी, और उस काल में युद्धों का संभवतः अभाव देखा जाता है। और साथ ही साथ हम उनके रीति रिवाज, उनके संस्कार, उनके मनोरंजन के साधन, उनके वस्त्राभूषण, खान पान आदि के बारे में भी काफी हद तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप इस विषय को बड़ी सहजता से लिख पाएंगे और इसके उत्तर को आप दे पाएंगे। यदि आपको अभी भी कोई कठिनाई हो तो आप मुझे कमेंट में अपने सवाल भेज सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूँगा। और आज के लिए इतना ही। मैं अगले क्लास में एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।